हेलो गाइस, मेरा नाम है अभी, आप देख रहे हैं अभिजीत गेमिंग। गाइस, इस वीडियो में जो बताने वाले हैं फ्री फायर का नया ग्लिच के बारे में, बीआर रैंक का, साथ में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग जो अगले सीजन में आप लोग ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। तो हमारा सीजन जो कब चेंज होगा वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाइयों को पता है सीज़न कब चेंज होने वाला है, बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ में आप लोगों को थ्री टीम्स बताऊंगा किस तरह से बीआर रैंक अगले सीज़न पे आप लोग किस तरह से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, वो भी दो दिन के अंदर। ऐसा नहीं बताऊँगा एक दिन के अंदर आप लोग चला जाओगे, दो दिन के अंदर एक्चुअली आप लोग ग्रैंड मास्टर आराम से जा सकते हो। भाई का चार टिप्स बताऊंगा, साथ में गैन मास्टर किस तरह से बंदे लोग पूछ करते हैं उसका भी एक सीक्रेट ठीक तो इस वीडियो में आप लोगों को रिवील करने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहना। जो जो भाई लोग इस चारों चीज को आप लोग जानना चाहते हो, सीक्रेट ठीक को भी आप लोग जानना चाहते हो, सबसे पहले जो जो भाई लोग नहीं हो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करो नीचे लगे उसको दबा के भाई सर। जो भी वीडियो अपलोड करेगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, कोई वीडियो आपको मिस नहीं होगा। ओके, तो बस चलिए हम लोग सीखते हैं किस तरह से हम लोग को रैंक को पोस्ट करना है और किस तरह से अगले सीजन के लिए हम लोग 5000 में है, ऐसा नहीं है टॉप 100 में भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन आप लोग को ट्रेंड को फॉलो करना होगा। जैसे मैं अगले सीजन में भी हम लोग पोस्ट करने वाले, तो आप लोगों को भी किस तरह से पोस्ट कर सकते हो उसका भी 100 क्रिएटर कम्बिनेशन का वीडियो भी मैंने पहले बताया था। लेकिन जो जो भाई लोग के पास के करेक्टर है के करेक्टर को यूज़ कर सकते हो, और जो जो भाई लोग भाई का करेक्टर नहीं यूज़ करते हो या फिर मीशा करेक्टर को यूज़ कर सकते हो, साथ में आप लोग मैक्सवेल भी यूज़ कर सकते हो। इस करेक्टर कम्बिनेशन आप लोग देख लो, इस तरह से आप लोग यूज़ करते हो। स्काइलर है तो स्काइलर के साथ भी आप लोग इस करेक्टर को यूज़ कर सकते हो, सिर्फ हायाडो को हटा के आप लोग को मीशा को लगा लेना है। जो भाई का करेक्टर है तो सबसे बेस्ट करेक्टर होने वाला है, जिसको यूज़ करके आप लोग को फील भी मिलेगा। साथ में आप लोगों को किस तरह से बाइक को यूज़ करना है उसका भी वीडियो में पहले बता दिया, उसका लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उस भी वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले बात आती है बताओ किस तरह से हम लोग अगले सीजन में 27 में हम लोग गेम में सबसे पहले जा सकते हैं उसके लिए। तो अभी बात आती है आप लोग ग्लिच को किस तरह से यूज़ करें। ग्लिच की यूज़ करने के लिए आपके पास दो मोबाइल होगा, नहीं तो आपके दोस्त को बोलना एक मोबाइल से, मतलब आप एक मोबाइल से स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद जैसे आप लोग को लॉबी में जाएगा, लॉबी के बाद आप लोग प्लेन में जाओगे, प्लेन के बाद आप लोग उतरने वाले हो, उस टाइम पे आपका जो इंटरनेट डाटा है उसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आप लोग को क्या करना है, जैसे आपका इंटरनेट डाटा ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद आपका दूसरे मोबाइल से वापस दोस्त को बोलना है आपकी आईडी से रिकनेक्ट करने के लिए। जैसे आपको रिकनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट होने के बाद जैसे आपका 99+ हो जाएगा पहले वाले मोबाइल से जिसमें आप लोग डाटा ऑफ हुए थे, तो आपको क्या करेगा उस थोड़ी देर के बाद आपको बाहर लेके आएगा, लॉबी में लेके आ जाएगा और आपका दोस्त का आईडी में वापस रिकनेक्ट हो जाएगा गेम का। आपको दोस्त को बोलना है गेम को खेलना है और आपको जो लॉबी में लेके आ जाएगा, तो लॉबी में आप लोग भी फिर से और एक गेम स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे भाई लोग जो इस तरह से रिकनेक्ट का ग्लिच को यूज़ करके बहुत सारे भाई लोग ग्रैंड मास्टर जाता है। तो मैंने भी देखा हूँ, मैंने भी एक बार करा हूँ, जो 100% वर्क करता है। आप लोग को नहीं पता है अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो मैंने और एक वीडियो बना के रखा है बीआर रैंक के ग्लिच के बारे में, तो आप लोग जाके थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। या जो हम लोग इस ग्लिच को भी रिवील कर दिया कौन सा ग्लिच हो गया है, तो आप लोग भी ग्लिच यूज़ करके जा सकते हो। तो अभी डूम में खेलना है, मैं तो अक्सर डूम ही ज़्यादा खेलता हूँ, क्यों ना डूम में आप लोग बाइक से आराम से दो बंदे को आप एक्सो, ये तो आप लोग कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है चार बंदे को आप लोग फेल डालोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो आप लोगों को फेल के लॉबी में आना पड़ेगा। तो गाइस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग को जो जूजू में चीज़ें बताएँ वो जो चीज़ों को आप लोगों को यूज़ करना है और अप्लाई करना है, तो आपको ग्रैंड मास्टर जाने से कोई नहीं रोक सकता होगा। या फिर आप लोगों को क्या करना है, रैंक सीजन जो हम लोग 15 तारीख को हम लोग को या फिर डिक्रीज करने वाले हैं, उसके बाद 15 तारीख से आप लोग रैंक पुश करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पर जो रैंक सीजन सबका जो डिक्रीज करने वाला है, उसके बाद आप लोग आराम से रैंक पुश कर सकते हो और ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। भाई आपका जो जो बताया है उस चीज को फॉलो करना, और आप लोग ग्लिच को भी किस तरह से यूज़ करें वो भी मैंने बता दिया है। ये सारी चीज़ को जैसे आ जाएगा आप लोग लड़ाई शुरू कर दो, आपको कोई भी मैच में एक भी मैच में आप लोग को माइनस लगे तो मेरे को बता देना, मेरा टिप्स फॉलो करके कोई भी मैच में आप लोग को माइनस नहीं लगेगा, हर एक मैच में आप लोग को प्लस लगेगा। पुश करना है, ऐसा नहीं है आप लोग को अलग अलग मैच चूज़ करना है। बहुत सारे भाई लोग क्या करता है, अलग अलग मैच भी चूज़ करते हैं,
सभी में आपको डाउनलोड करके रखता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, ऐसे क्या होता है, आप लोग सभी में आपको आप लोग डाउनलोड कर रखते हो, एक बरमुडा आ जाता है, एक बार नया मैप आ जाता है, एक बार कलहरी आ जाता है, इस तरह से आपका दिमाग भी आप लोग काम नहीं करता है। आप लोग कहाँ उतरे, कहाँ लैंड करे, या आप लोगों का दिमाग में भी आप लोगों बहुत जोर पड़ता है। आप लोग क्या करना है, ऐसा नहीं करना। जैसे मैं हर फुल सीजन जो मैंने एक मैप से गया हूँ, एक मैप से मैं वीयर रैंक मतलब गेम मास्टर पूछ किया हूँ, या पर जैसे हम लोग डाउनलोड के ऑप्शन में चलते, तो डाउनलोड के ऑप्शन में जाने के बाद या पर आप लोगों को ये क्लिक किया आएगा मैप, मैप में हमारा चार मैप देखने को मिलेगा। चार मैप से आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को तीनों मैप को हटा देना है, सिर्फ आप लोगों को बरमुडा मैप को डाउनलोड करने रखना है। आप लोग जो मैप में आप लोगों को खेलने को अच्छा लगता है, सिर्फ उस मैप में खेलो। ऐसा नहीं है उस मैप को आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तो हर एक मैच में उस मैप ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग मैप आएगा तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, कहाँ उतरे इस मैप में, उस मैप में कहाँ उतरे, इस मैप में कहाँ उतरे, इस तरह से आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा और हर एक मैच में आप लोगों को माइनस लगता ही जाएगा। एक प्लस लगेगा तो दूसरा माइनस लगेगा, तो ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। आप लोगों को जो सबसे पहले एक मैप को सोच कर लेना और एक लैंडिंग का जगह सोच कर लेना है, उस लैंडिंग के जगह पे कभी कभी मैप को हम लोग हर एक सीजन पे हम लोग यूज़ करते हैं, एक मैप पे हम लोग यूज़ करते हैं और एक मैप का बरमुडा मैप का हर एक कोने कोने को मेरे को पता है, हर एक कोने कोने को मेरे को पता है कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगा मेरे को अच्छी तरीके से, या पर याद हो गया हमें खेलते खेलते मेरे को पता चल गया। तो आप लोग भी या पर मैप को फुल चीज़ आप लोग को याद करना है, कहाँ पर क्या मिलता है सारी चीज़ आप लोग को याद करना होगा आप लोग गैन मास्टर पुश करते हो। तो भाई का ट्रिप्स को फॉलो करो और मैप भी आप लोग एक चूज करना है, और जो जो चीज़ें बताया सभी को फॉलो करो, आप लोग आराम से गेम मास्टर जा सकते हो गाइस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, इस वीडियो को चाहते हो भाई का चैनल में तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बेल लगाने, उसके बाद भाई से जो अपडेट करके सबसे पहला नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलता था नेक्स्ट और जय हिंद, वंदे मातरम।